कसूर कोर्ट राधा कृष्ण में शराफत न्यासी ब्रिक्स पर जालिम बाप ने तीन कमसिन बच्चों और बीबी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट देखिए। कसूर कोर्ट राधा कृष्ण शराफत न्यासी बरकस पर काम करने वाला जालिम बाप मोहम्मद जाबर ने अपने ही तीन बच्चों पर कसी के वार करके कत्ल कर दिया और अपनी बीवी को भी जान से मार दिया, जबकि चौथा बच्चा शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि मुल्ज़िम जाबर को अपनी बीवी के किरदार पर शक था, जिस पर आए दिन घर में जो लड़ाई झगड़ा जारी रहता था। आज गुस्से में आकर मुल्ज़िम जाबर ने कसी के वार करके अपने चारों बच्चों को कत्ल करने की नीयत से वार कर दिया और अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया, जिससे एक 10 साला शबीर जो कि इस वक्त शदीद जख्मी हालत में कोर्ट राधा कृष्ण हॉस्पिटल में मुंतकिल है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुल्ज़िम जाबर को गिरफ्तार कर लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कसूर DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर मुकामी पुलिस का कहना था कि जी ये सुबह हमें इत्तला मौसूल हुई है कि भट्टे पे एक बंदे ने अपने बीवी बच्चों को कसी के वार करके कत्ल कर दिया। मौके पे पहुंचे हैं, सुबह हाल चेक की है, बंदे ने अपनी एक बीवी है, उसके चार बच्चे हैं, इसको कसी के वार करके कत्ल किया है। एक की हालत जो है वो जख्मी है, बाकी चार की डेथ हो चुकी है। वजह उसने यही बताई है कि मेरी घरेलू नचाकी की वजह से बीवी के ऊपर शक हो। आज से कुछ अरसा कबल कसूर में भी ऐसा ही एक दरिंदा बाप ने अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया था। कुछ अरसा बाद आज कोर्ट राधा कृष्ण में फिर वही मंजर दोबारा दोहराया गया है, जिसकी वजह से लोगों में शदीद गुस्सा और खौफो हरास है कि एक बाप ही अपने बच्चों का कातिल निकला। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, चैनल 5 कसूर।